मध्य रेलवे की गैर निष्पक्ष राजस्व पहल से राजस्व में वृद्धि होती है और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान होती है। मध्य रेलवे ने एक नई पहल की है, इसमें यात्रियों को फायदा हो रहा है और रेलवे को राजस्व भी मिल रहा है। अब इसी तरह के प्रयास में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में एक पॉड होटल स्थापित किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर पॉड होटल को एक अभिनव गैर निष्पक्ष राजस्व सृजन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। यात्रियों को आर्थिक आरामदायक और किफायती रहने का विकल्प देने के लिए इसे मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन के मुख्य मार्ग पर प्रतीक्षा क्षेत्र के पास खोला गया है। कुल 40 पॉड है, जिनमें 30 सिंगल पॉड, 6 डबल पॉड और 4 फैमिली पॉड शामिल है। इस अच्छी तरह से वातानुकूलित आवास में पूर्ण गोपनीयता, मोबाइल चार्जिंग, लॉकर रूम, फायर अलार्म, इंटरकॉम, डिलक्स शौचालय और बाथरूम शामिल है। इन पॉड्स को फिजिकल मोड और मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन मोड के जरिए बुक किया जा सकता है। मध्य रेलवे ने नमः इंटरप्राइजेस को स्लीपिंग पॉड्स के विकास और संचालन का ठेका ₹10,07,787 वार्षिक लाइसेंस शुल्क में दिया है। रेलवे ने हाल ही में टर्मिनस के पास रहने के इच्छुक यात्रियों के लिए आरामदायक आवास के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 131.61 वर्ग मीटर जगह प्रदान की है। यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न गैर निष्पक्ष राजस्व अवधारणाएं जैसे हाइब्रिड ऑन बोर्ड हाउसिंग सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, डिजी लॉकर्स, पर्सनल केयर सेंटर, ई बाइक, ई चार्जिंग पॉइंट्स, कंटेंट ऑन डिमांड, कन्वर्सेशन ऑन मूव आदि को पेश किया गया है। मेरा नाम अशिता कप्टा है, मैं अभी गोवा से आई हूँ और मैंने ये रूम किया था 11 बजे, क्योंकि मेरी ट्रेन जो है वो रात में 8 बजे की है। सो एक कंफर्टेबल स्टे के लिए मैंने ये बुक किया, क्योंकि वेटिंग रूम में स्टे तो है हो ही नहीं पाता अच्छे से, साथ में सामान और फिर नींद नहीं हो पाती है, तो उस चक्कर में फिर हम लोगों ने ये बुक किया है। मुझे इस नीचे वाले इसका 700 लगा, उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था ऊपर वाले का 500, बट मेरे को ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगा तो मैंने नीचे वाले का 700 दे के बुक किया था 12 आवर्स के लिए। मैं पुणे से आई हूँ और मैं आज ही आई हूँ, मेरी ट्रेन है 4 बजे की, तो मतलब 5 घंटे का स्टे था तो इसके कारण मैंने इसको बुक किया था। एक्चुअली मतलब कुछ घंटों के स्टे के लिए काफ़ी अच्छा है, और क्योंकि मतलब वेटिंग रूम में बैठो, वहाँ आप बैठ के आराम नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट आराम करने के लिए है। 500 इसका चार्जेस जो है अपर बर्थ के लिए लिया गया है, थोड़ा कम किया जा सकता है इसको, क्योंकि अगर आप 3-4 घंटे का स्टे कर रहे हो, जनरली 12 घंटे की बुकिंग होती है, तो उसमें अगर 3-4 घंटे का स्टे कर रहे हो तो उस मुताबिक भी कोई चार्जेस रख सकते हैं, बट ओवरऑल अच्छा है, साफ़ सुथरा है, रहने के लिए सही है और सेफ़ भी है। अच्छा, सेफ़ भी है, साफ़ सुथरा है, अच्छा लगा यहाँ पर रुक के।